सनातन प्रेमियों, आज चार दिन से लगातार ये सनातन संकीर्तन के द्वारा जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है उसमें निश्चित रूप में इस आपाधाती में ध्याने पर आपका मन पवित्र हो जाता होगा। भगवान का नाम बार बार लेने से, उनका भजन सुनने से, उनका संकीर्तन सुनने से। भजन संकीर्तन के बारे में मैंने कहा था कि भज न नाम भजिए भजन कहलाता है। संकीर्तन संग मने अच्छा और कृत और नाम ये कीजिएगा तो संकीर्तन वो होता है। तो ये चार दिनों से ये आप सुन रहे थे, इस गंगा में सभी ने नहाया और सभी की आत्मा पवित्र हो गई। अच्छी अच्छी टीम आई, अच्छे अच्छे गायक गायिकाएं आई, और कहने की ज़रूरत नहीं है, आज ज़्यादा लोगों का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष ईश्वर व्यास जी, हमारे महासचिव शिव महाजन, संगीत की टीम में हमारे मित्र इंद्र जी, और पूरी टीम और कैलाशी बाबा, और पूरी टीम एक है जो इसको करने में कितनी मेहनत होती है, इसके पीछे कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं ये आप नहीं जान पाइएगा। एक बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग मेंबर बने हैं, और हम भी आग्रह करेंगे कि जो लोग सुन रहे हैं, अगर जो 1100 रुपये का ही मेंबर अगर जो एक साल में ये बने तो इससे जो है तो आसानी होगी। और हमारे महासचिव के मन में एक बहुत बड़ी बात है, अगर जो सब कुछ ठीक रहा तो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम अगले साल साथ में कराया जाएगा। अभी नहीं खोल रहा हूँ बात। देखिए, सनातन धर्म की ऊंचाई के बारे में क्या कहूँ, सभी आज सनातनी आप लोग हैं। मनुष्य छोड़ दीजिए, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, वो सनातनी हो गैर सनातनी हो, किसी से नफरत नहीं करते हैं, सभी को आत्मसात कर लेते हैं, बाहर से भी जो लोग आए उनको भी आत्मसात करती हैं। और मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, पेड़ को भी हम पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, नदी को माता कह के बुलाते हैं, इन पेड़ों को, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आंवला का पेड़ हो, बहुत तरह का मैंने आप सभी जान, केला का पेड़ हो, सभी की पूजा करते हैं हम लोग जीव उसमें समझ के। तो ये बहुत ही बड़ा विस्तृत इसका स्वरूप है, और बोलने के लिए तो बहुत बोलेंगे, लेकिन आप लोग मैंने जिससे आप हो जाइएगा, बहुत टाइम हो गया, लेकिन गर्व है हमको। आज एक घटना बताते हैं कि कुंभ जो लगा था उसमें करीब 13 करोड़ लोग आए थे, और उसमें 60,000 विदेशी लोग आए थे बाहर से, और उस 60,000 में 14,000 माने विदेशी यहाँ वो जो वातावरण देखे उस सभी लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात हुई थी। हम किसी को दबाव नहीं देते हैं, वो हमसे प्रभावित होके, जैसे इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्ण वाली जो पूरी दुनिया में संस्था है, तो सिर्फ उन लोगों का काम देख के, काम देख के सभी दुनिया में प्रभावित होते हैं, और जो तो उनका मेंबरशिप बढ़ता जा रहा है इस्कॉन का बहुत ज़्यादा, और हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, पटना में यहाँ है, बिहार में सब जगह मंदिर है उसका, बहुत जमीन है, बहुत तरह की व्यवस्था उसमें है। हम कई जगहों पर गए हुए हैं, काठमांडू में है, काठमांडू में भी गए हुए हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। आप किसी दूसरे धर्म की भी इज्जत कीजिए, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, गर्व होना चाहिए। धरा धरा धरा
धरा ये जिस पे घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से बोलो आज हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जय श्री कृष्ण।